Hare
فلم يشهدوا كيتنا قرنا شكنا في دول عاشين سربتوا بمنتم فاشعبي قاندوا مريكشن سمنتا بيتكان لك جودي مكرمين وما كرم وَمَاسْيَ مِشْوَاسْيَ بَرَمْ لِلْعَالَمْ وَمَاسْيَ يَشَاشْ وَفَدَرْ بَدُوْتَ سَنَاكَ نَسْوَمْ قُرْهُ مَتُوْمِي أَنَا بِمَدْحَانْ جَمَنَنْ شفي سوريا ليتنا أشعامي بامديك هدى شبطن سوبي لزاوي سوبي لن أغنطن جاوك بديو جيب من كرمي بيابتن ويكي نبي شسك سروا إشتاك بوطنبوك ومبيان كبيرا نوكت كيانك جريكم مراتما عميق وانسور شمراء زنبي شجانك
गीता जी का पाठ छठा अध्याय प्रारंभ से श्लोक संख्या 10 तक। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अथ षष्ठोऽध्याय श्रीमुवाच अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय यं संन्यासमिति प्राहु योगं तं विद्धि पाण्डव न यसन्न्यास्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु
न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्यासी योगारूढस्तदुच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं आत्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धो चात्मैव त्रिपुरात्मन बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समगोष्णकाञ्चन सुहृन्मेत्रार्युदासीन मध्यस्थदेश्य बन्धुषु साधुष्वभि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरण Hare
राम, यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण सार विक्रम संवत 2051 तदनुसार 30 जून 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम 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 जैसी जिसकी भावना तैसे ही फल हो। ये परमात्म स्वरूप है, इसमें जो हैपना दिखता है वो परमात्मा का स्वरूप ही है। दिखने वाला मैं हैपन तो ठहरता नहीं है, पर हैपना मिटता नहीं है। तो ये भगवान का स्वरूप साक्षात है। इस है का अभाव नहीं आना भाव विद्युति सत का अभाव नहीं होता, और ये है इसका भाव नहीं ठहरता। तो वास्तव में परमात्मा परिपूर्ण है, सत्ता है, और सत्ता के सिवाय चिति है। चिति मानो ज्ञान। जैसे इस प्रकाश में ये सब दिखते हैं, तंबा दिखते हैं, व्यक्तियां दिखती है, वस्तु दिखती है प्रकाश में, ऐसे ज्ञान के अंतर्गत संसार दिखता है। तो ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है, इस ज्ञान में सब संसार है। ज्ञान के अंतर्गत है वो ज्ञान है, वो सत है, वो नित्य इस बात को सत कहते हैं। उसमें कोई विक्षेप, कोई हलचल, कोई दुख नहीं, इस बात आनंद स्वरूप कहते हैं। सत है शांत आनंद खाने है, वो ज्ञान है आनंद खाने। एक परिपूर्ण सत्य जाने उसको देखे विनिश्चितम, ये परिवर्तनशील है, उसमें अपरिवर्तनशील परमात्मा को देखे। समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनिश्चितस्व विनिश्चितम् यः पश्यति स पश्यति। ये भूत प्राणी वस्तु सब विषम है, छोटा है कोई बड़ा है, कोई बढ़िया है कोई घटिया है, क्यों पवित्र है कोई अपवित्र है, नाना तरह के भेद है। पर इनमें जो परिपूर्ण परमात्मा है वो सत्स्वरूप एक शांत शुद्ध घन रूप से है, वो परिपूर्ण परमात्मा है। ये संसार बदलता रहता है, एकदम बदले बिना एक क्षण भी नहीं रहता, और वो परमात्मा एक क्षण भी नहीं बदलता, कभी कभी किसी समय में भी बदलता नहीं है, जो का तो रहता है। तो विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, ये नष्ट होने वाले में जो अविनाशी को देखता है वही देखता है, वो देखने वाला समम पश्यनी सर्वत्र, सब जगह देखता है समान रूप से। वो अपनी हत्या नहीं करता, इस वास्ते परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो नाश के ऊपर ठहरा है, नाशवान को देखता है, वो अपनी हत्या करता है, उसको पाप लगता है, अपने को भी नाशवान मानता है, खुद को भी नाशवान शरीर है, स्वयं नाशवान नहीं है, परंतु शरीर के नाश के साथ ही अपना नाश मानता है। स्वास्थ्य उसको नाश मन जन्मना मरना पड़ता है निरंतर,
और विनश्यत तो अविनश्यंत हो, अविनाशी को देखता है तो परम पद को प्राप्त हो जाता है। ये बात एकदम प्रत्यक्ष अनुभव की है, कई बार कहा है फिर भी कह देता हूँ। जैसे अपने को देखो तो बालकपन में हम थे, वही मैं हूँ, परंतु ये शरीर वो नहीं है, शरीर बदल गया। आप कहते मैं वही हूँ जो बचपन में था, तो आप तो वही है जो बचपन थे, वही तो आप तो वही रहे। शरीर बदल गया, वस्तु बदल गई, देश बदल गया, काल बदल गया, परिस्थिति बदल गई, वस्तुएं बदल गई, आपके विनोद के सामान वो बदल गए, सब बदल गया, पर आप वही रहे। जैसे शरीर के बदलने पर आप एक ही रहे, ऐसे संसार के बदलने पर परमात्मा वही रहे। यही परमात्मा है, अनेक ब्रह्मा हो चले गए, जिनकी बहुत बड़ी आयु है। हजार चतुर्युगी का एक दिन हो जाए, हजार चतुर्युगी की एक रात होती है। सतयुग त्रेता द्वापर कल ये चार युग एक चतुर्युगी कहते हैं, एक सौकड़ी। ऐसे हजार बीतती है, इतना दिन इतनी रात उनकी मानी जाती है। उन रात दिनों से सौ वर्ष की उम्र ऐसे ब्रह्मा जी कहते होकर चले गए। तो परमात्मा है जो कोई है। जैसे शरीर के बदलने पर आप हुए के हैं, वही संसार के बदलने वही है। तो न बदलने न बदलने वाला एक है, बदलने बदलने वाला एक है। तो बदलने वाला शरीर संसार ही है। इसमें जो संसार से अपने अलग मानकर पक्षपात करते हैं, ये बंधन का हेतु है। एक मान करके उनकी सेवा करे, सबकी सेवा में रह जाए, जिसके जो चीज की आवश्यकता हो, जिसके पास में जो हो सो दे दे, अपनापन के नाते। क्योंकि अपना पांच पांच भौतिक से तो एक चीज है, और ऐसे आरंभ में मनु की संतान है, सब मानव है, मनु की संतान है, सूत्र सब एक ही है, सब साथ एकता में। ऐसी एकता को स्वीकार करके सबकी सेवा में अपना समान, जैसे अपने लिए समान काम का, ऐसे सबके लिए। जैसे भूख लगने पर अन्न की जरूरत होती है, ऐसे जिसको जब जरूरत हुए तब भूल जाओ, आराम से ये भाव अगर खा जाए, रक्षा की जाए वस्तु की, परंतु विचेन करने में पक्षपात न किया जाए, तो विनश्यत्सु अविनश्यंत का बोध हो जाता है। विनाशी चीजों को पकड़ने से अविनाशी का ज्ञान नहीं होता। विनाशी को महत्व दे दी और सत्ता दे दी, हमारी बुद्धि मन इंद्रियां यहाँ टिक गई, यहाँ डेरा लगा लिया, तो अविनाशी तक कहे जाए वो अटक गए, यहाँ ठहर गए। और जो केवल सेवा में ही लगा दे तो विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, जो अविनाशी वो देखता है, वही देखता है। तो सब में परिपूर्ण परमात्मा है, उसने ये न होता वो भी है, देखता है, नहीं होता हुआ भी है, देखता है, उस है से। जासु सत्यता ते जड़ माया, भाष सत्य एवं मोह सहाया, जिसकी सत्यता से ये असत माया भी सत्य देखती है, ये जड़ माया भी चेतन देखती है, वो चेतन है, वो सत्य है, वो नित्य है, इसको भी नित्य दिखा दे, असत को भी सत्य दिखा दे, ऐसी माया वो सत्य है। तो सत्य दिखा दे, इसको सत्य दिखा दे, तो ये सत्य नहीं है, कहें तो इसमें भीतर में सत है वो परमात्मा, तो उसकी आभा आ रही है, उसका ही प्रकाश आ रहा है। जैसे वो स्फटिक पत्थर होता है तो लाल कपड़े पर हो तो वो लाल दिखे, काले पर हो तो काला दिखे,
तो काला न होता और विकार दिखता, ऐसे ही उस परमात्म तत्व में इस संसार रहने से उसकी सत्यता ही इसमें सत्यता दी गई है। नहीं तो असत्य का तो अनुभव हो रहा अपने को, सबको अनुभव है कि तो बदल रहा है शरीर अपने अपनी माँ के जन्म जन्म कैसा था अब कैसा है, और ये बदलता ही चल जा रहा है, दम बदलता ही बदलता है, फिर भी है जीवता है, तो है वो परमात्मा ही है। तो विनश्यतु अविनश्यंतम, ये पश्यति स पश्यति, उसका देखना सही देखना है, ये है वो है जिस संसार में है, ऐसे अपने शरीरों में मन बुद्धि इंद्रियों में भी वो है, अपना वैसे बसा है, वो संसार में तो और अपने व्यक्ति में न हो इस बात नहीं है, और व्यक्तियों में है उसमें पशु पक्षियों में है, ये सूखे काठ में पर्वतों में जंगल में रेते में सब समुद्र में सब में वो है, अपना है जो तो ही है वो परमात्मा तत्व है, तो वो सब में है, वो रहने वाला है, और ये संसार सब जाने वाला है, जीत रहा है, इसमें सत्य तत्व है, वो ही महत्व की वस्तु है, ये महत्व की वस्तु नहीं है, परंतु नहीं है महत्व की, उसको जो महत्व दे दिया है यही बाधा हुई है। जिसको महत्व न दिया जाए, काम के लिए जो जो चीज काम की उस काम में वो लगेगी, जैसे भोजन करने का है तो भोजन कर लिया, जल पीने का तो पी लिया, कपड़ा ओढ़ने का तो ओढ़ लिया, ऐसे जिस जिस काम की जो जो वस्तु है उस काम में ले ली, परंतु ये रुपया पैसा ही बड़ी काम की चीज है, तो काम की केवल काम लेने के लिए काम किया है, ना तो साथ लाए थे ना साथ लगे ले जाएंगे, ना रखने अपने पास में ठीक तरह रख सकते, तो ये अपना विभाग है जो चलता है, सबका काम होता है, इनको पकड़ना है ठीक रही, ये सेवा में लगा रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, जो सुख की सामग्री है वो सबके हिस्से की है, सबको दे देगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, और सर्वे सन्तु निरामयाः, सबके सब निरोग हो जाए, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके मंगल ही मंगल दिखता रहे, न कष्टित दुखा, कोई दुख भागी न बढ़े, ऐसे शांति रहे, भाव रहे, ये क्रिया रहे, ये सब जगह एक देखने का तात्पर्य है, जो व्यापक परमात्मा है उसे देखने का असर ये होना चाहिए कि कोई भी दुखी ना हो, उसके लिए आत्मोपमेन सर्वत्र समम परिस्थिति सुखम वीवा दुखम सहयोगी परमो मत, वो परम योगी है, जैसे अपने शरीर के किसी भाग में भी पीड़ा सुहाती नहीं और आराम सब में मिले, हाथ में पैर में माथे में छाती में सब अवयव में आराम मिले, वो अच्छा लगता है, पीड़ा किसी भी अच्छी न लगे, ऐसे संसार में कोई दुखी है तो वो दुख अच्छा न लगे, अच्छा लगने न लगने का अर्थ हुआ कि अपने पास शक्ति हो तो उसको वो मदद करने, उसका दुख दूर करे, तो उसका दुख भीतर से वो दूर नहीं कर सकते, उनकी आवश्यक वस्तु है आपके पास अनावश्यक पड़ी है उसको दे दी, सब का काम चले अच्छी तरह से, तो ये भाव रहने से वो जो परिपूर्ण परमात्मा है उसका ज्ञान होता है। ये स्वार्थ और अभिमान की बुद्धि से हम एक जगह हमारे लिए इकट्ठा कर लेते हैं, ऐसे उस तत्व का बोध नहीं होता, पक्षपात हो गई, विषमता हो गई, इससे उस तत्व का बोध नहीं होता,
तत्व का बोध तब होगा जब सर्गो ये साम्य स्थित हमारा जिन लोगों का साम्य अवस्था में मनस्थित हो गया है उन लोगों ने यहाँ ही सर्ग जीत यहाँ ही संसार को जीत लिया। निर्दोष समम ब्रह्म वो जो सम है वो निर्दोष है ये दोष सब विषमता में है ये नाशवान जो विभाग है इसमें दोष आते हैं अविनाशी भाव है उसमें दोष नहीं है वो है जो कहते हो निर्दोष समान है स्वतः निर्दोष स्वाभाविक ऐसे स्वरूप सबका स्वतः निर्दोष है। उम्र के शरीर इंद्रिया अंतःकरण इनको लेकर के सुख की इच्छा से अनर्थ करते हैं और विषमता करते हैं और फिर दुख पाते हैं तो उस परमात्मा सब तो में स्थित रहे और भाव सभी से प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र में हित रत रहते हित में रत रहते प्रेम रखते हुए परमात्मा को प्राप्त होते हैं। हिते रता हित कर दे हाथ की बात नहीं है और कर दे तो सीमित होगी पर सबके सुख रहे ऐसी भावना है ये हरेक कर सकता है। भावना में खर्च नहीं होता है नहीं हमारे पास थोड़ी है चीज खर्च हो जाएगी सब अनंत ब्रह्मांड में सुख रहे आराम रहे थोड़ी एक खर्चा नहीं और बड़ा भारी पुण्य होगा नियत शुद्ध होगी सबके हित की और हिते रता प्रीति उसमें हो सबके हित में ही प्रेम हो अपना विशेष उद्देश्य सबके हित का हो सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र के हित में जिसकी प्रीति हो ते प्राप्त बनती मामे वो मेरे को प्राप्त होते। ये जो पक्षपात है विषमता है राग द्वेष है हर्ग शोक है वो शत्रु माना है छह ऋतु माना राग द्वेष हर्ग शोक मान अपमान षड रिपु है तो ये रिपु है इसमें क्षमता रहेगी तो उसके लिए कहा है कि यही तेज सर्गो ये शांग साम्य स्थित माना जिन लोगों का मन जो होगा साम्यावस्था में मन स्थित हो गया उन लोगों ने यहाँ ही जीवित अवस्था में संसार को जीत लिया संसार पर विजय पाई और राग द्वेष हो गया तो हमारे पास संसार ने विजय पा ली हम तो हार गए क्योंकि हम राजी नाराजी हो गए ना विषमता आगे हार गए हम और सबके होने पर एक समान समता रहे तो जीत गए। ये तेज सर्गो ये साम्य स्थित माना साम्यावस्था में मन स्थित हो गया तो यही जीत है यही जीवित अवस्था में संसार के ऊपर अपने आ गए राग द्वेष हो गए संसार में दब गए बस संसार जीत गया हम हार गए क्यों संसार बदलता है परिवर्तन पर बदलने का असर अपने पर पड़ गया न बदलने वाले पर तो हार गए और हम जब बदलने वाले रहे बदलने वाले में तो हमारी विजय होगी ये हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सके निश्चित उसका देखना है सही देखना ठीक देखना यथार्थ देखना समम पश्चिने सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वरम वो समस्थित है वो ईश्वर तो है जो देखना है वो वास्तव देखना है अरे उसी को तत्व ज्ञान कहते हैं ज्ञान उसका नाम है जैसे जानना और है और तरह का देखे और तरह का उस नाम अज्ञान अन्यथा संत महात्मा अन्यथा प्रतिपद्य थे है तो और तरह का देखे और तरह का है तो परमात्मा सब में सब और विष्णु देव है तो परमात्मा होने के इसलिए किंतिन न कृतम पापम सौरेण आत्मा पहाड़िना उसने कौन सा पाप नहीं किया और सब पाप कर रही जो समान रीति से परमात्मा तत्व है उसके साथ न मिल करके और पक्षपात कर लिया तो पाप लग गया तो बार बार पाप का फल क्या होगा बार बार जन्मेगा मरेगा
ये त्रात उसको भोगनी पड़ेगी कि वो पापी सूर्य कर नहीं सकता, पाप खाना दुखी रहेगा, पाप के मन में आने से दुखी हो जाता है आदमी। ये परवाह नहीं करता, जैसे रावण सूर्य करने को गया सीता जी की तो डर गया, वो तो उठते स्वान के नया देखता है, डरता है तो डरता है कि कुपंथ में पग रखता है ना तो उसकी धड़कन होती है। ये तो कोई अपना ठीक न्याय पर धड़कन होती है नहीं, अपनी स्थिति निर्विकार है और निर्दोष है तो डर किस बात का है। इस बात से हरदम निर्मल रहे, शांत सुख आनंद रहे, समरूप परमात्मा रहे तो वो जन्म नहीं होता। जन्म मरण में तो कारण गुण संगोष या सदस्योनि जन्म सुख गुणा का संग है ना, वो उस रीत में ध्वनि का कारण है। सदोगुण के साथ संग है तो ऊपर को चला जाएगा, रजोगुण के साथ संबंध मध्य में चला जाएगा, तमोगुण में तो अधोगति में चला जाएगा। इन गुणों के साथ होने से जन्म ना मरता रहता है, अगर गुणों की विषमावस्था तो अर्धम रहती है। साम्यावस्था में भी गुणों में क्रिया होती है पर वो महाप्रलय में चुपचाप रहते हैं, ऐसे क्रिया होती रहती, प्रकृति निष्क्रिय नहीं होती, परमात्मा सक्रिय नहीं होता तो वो निष्क्रिय है एकदम शांत। तो विनश्यत सु अविनश्यत ये पश्यति स पश्यति, दृष्टि उस पर है समता पर। जैसे व्यापारी की चीज खरीद है तो बिक्री तो दृष्टि पैसों पर रहती है, वस्तु पर नहीं रहती है। वस्तु को लाता है दे देता है, वो नहीं होता कि लिया है तो मेरा कोई पैसा आदमी को पट नहीं देता, कुछ जोड़ नहीं पड़ता, वस्तु पर दृष्टि नहीं, दृष्टि रुपया पर है, रुपया आना चाहिए, उसका घटा नहीं होना चाहिए, वस्तु आ जाए चाहिए आ जाए, कोई असर नहीं। ऐसे आ जाए चला जाए, संसार बढ़ जाए बिगड़ जाए मर जाए जन्म जाए, इसलिए दृष्टि है परमात्मा पर जो स्वतः रहता है सामान्य। व्यापार में तो सब नफा नहीं होता, इसमें घाटा नहीं होता, इसमें नफा ही नफा होता, क्यों हरदम रहता है, रुपये थोड़ी रहते हैं हरदम। इस सत्यों उस नारायण 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 नारायण।